आई रिमेंबर मैं जब पहली बार टेलीविजन में काम करने आया तो अजीज़ कुंदन और सईद इसका रोगोपैक उनकी कंपनी थी, मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, मैं मुंबई में पहली बार आया था और कुंदन, बकुल, अजीज़, हिज होल फैमिली, सईद, सब बच्चे, हारून, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर दिया। पहले ऑफिस में रखा, बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ। सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन बांद्रा। देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया, फिर उनको घर की तकलीफ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं। मैं यहाँ पर होता ही नहीं और मैं ये इनकी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेल्फिशली अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू से दिस, आई नीड टू समहाउ एक्सप्रेस दिस बिकॉज देर नॉट वेरी मेनी पीपल हु अंडरस्टैंड एंड नो दिस पार्ट ऑफ मी। बिकॉज एवरी टाइम आई गो एनी वेयर इट्स ऑल अबाउट शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान द बिग सुपर स्टार, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट मी एट ऑल एवर। एंड देन देर वॉज अ टाइम अजीज़ को वो घर वापस चाहिए था, मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माई किराया ऑफ माई हाउस। एंड दीज आर स्मॉल इंस्टेंसेज विच आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट मेड मी फील कि मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ। एक बड़ी फेमस लाइन है जो मेरी दोस्त अनुपमा ने शायद अपनी किताब में भी लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूँगा। वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी। मेरे को पता नहीं था, आई रिमेंबर राजीव फादर सेड दैट तुम शादी करने वाले हो, शादीशुदा हीरो तो चलता नहीं है। एंड समहाउ राजीव रियलाइज दैट दिस इज़ अ मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड अब तो शादी हो रही थी, अब क्या करेंगे। सो ही लैंडेड अप फॉर माई वेडिंग वेरी स्वीटली। आई रिमेंबर अब्बास मस्तान कमिंग एंड वॉन्टिंग मी टू डू दिस फिल्म एंड आई फिनिश द फिल्म एंड आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक माई फर्स्ट वन फॉर अ फिल्म एज अ बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड नॉट फॉर डेब्यू और एनीथिंग। एंड आई वेंट टू द हाउस टू मीट देम एंड आई हैड नेवर अंडरस्टूड, एंड आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग पर्सनल अब्बास मस्तान भाई, द हार्डशिप्स दे लिव्ड इन but made these beautiful films and never made me realize that I had become a star and the director was still to make it there, though they were the ones who made the greatest film of my career, perhaps Baazigar. And so many of them have all come together and helped me become who I am, not just as a movie star or as an actor, but as the person that I am. And I owe this to them, and it's humbling that I come here. It's awkward I come here because मुझे मेरे हक का जो होता है that's very important to me. लेकिन इस सारे success के ऊपर मेरा कोई ज़्यादा हक नहीं है actually, because if it wasn't for people like this, I remember Praveen Nishal taking me, he's an intellectual, he used to sit down with me and tell me you can be a star. So all these things, and I'm not mentioning lots of people, I'm sorry, each one of them in the formative years of my life, whether it's Anadi, Karan, Yash Chopra ji, Mani Ratnam sir, Hima ji, I remember, I think Rajiv will also remember this incident. Main ek din kisi interview mein ek headline aa gayi, I think Stardust magazine thi, and usme headline aa gayi ki Hima Malini does not know how to direct. Maine aisa nahi kaha tha, ya ho sakta hai main itna badtameez tha, maine kuch aisi baat kar di ho. Main bahut sari cheezein kehta hu aur fir baad mein samajh nahi aata kaise bol diya, but I didn't mean it, I didn't feel it. एंड आई रिमेंबर मैं सेट पे जाना था सुबह सुबह, तो मैं छुप छुप के जा रहा था कि हिमा जी मुझे देख ना लें और डांटेंगी, तो मैं छुप छुप के जा रहा था, मैं छुप छुप के ऐसा साइड से जा रहा था। एंड शी सेड कम यार, एंड शी सॉ मी सो आई केम, शी सेड यार, सो आई सैट डाउन, आई सेड शी इज गोना किल मी, शी इज गोना टेल मी व्हाट डिड यू से इन दैट इंटरव्यू। सो आई जस्ट सैट एंड आई वाज लाइक कि जमीन खुल जाए और मैं चले जाऊँ यहाँ से और ये मोमेंट खत्म हो जाए लाइफ का यार। एंड शी लुक्ड एट मी, सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, either you are very famous or I am very famous, I have to stop working, so it has to be your fame, and when you are famous people write all nonsense, huh? Go and get ready. And it was so heartening, and I think I don't want to go on and on because actually I can write a book like this, but I think one man that we need to mention, and the only man from the non film industry, the television industry, that I've included and we have included in the book is Colonel Kapoor.
Of course, if it wasn't for him, I would not have even thought that I can act on screen. और उनके साथ का भी अजीब सा एक किस्सा था. हम उनके जो सन इन लॉ थे वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में. एंड जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. माई फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस. सो ही सेड, कहाँ है आपका बेटा, इसे एक्टिंग करने गया है. तो मैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पर आके एक्टिंग कर लें. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ चार कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था. तो मुझको बड़ा अजीब लगा यार. और मेरे को लगा यार ये मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ और यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई हैं तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे. सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो आ दबान कमान ब्लडी गुड जॉली गुड. सो आई बिकेम अभिमन्यु राय ओवरनाइट एंड आई डिड दैट एंड इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट, अगेन लाइक अ फैमिली. ही ट्रीटेड मी एंड लव्ड मी अ लॉट. And all of them have loved me like family. So I want to thank them all. And I want to say this, and I'm not saying it with false humility or modesty. I genuinely, genuinely feel maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life. And when I say women, I want to take this opportunity to try and thank all the actresses who have worked with me, because I could not dance, I could not romance. There are instances when I'm doing a duet with a girl and they are the ones who are twirling me, it's not me twirling them. And they're all so beautiful that it was very easy to love them back and say the lines I've said which I didn't even believe in. And if it wasn't for these really strong, really fantastic, really more hard-working women, then all the men in the film industry, and I'll say this unquantifiably, I don't think I would be this romantic star who spreads his arms and girls come running to him. And I want to genuinely thank them because I've learned a lot. And I love them to death. And all my life, I'll respect and love them. And I'd hope my children grow up with their children. And it's like when I came from Delhi, I had no family. I had nobody. And I tell this to everyone that I have an extended family in all the filmmakers, all these leading ladies, all the producers, some other friends that I have made along the way in the film industry. If it wasn't for them, I genuinely would not be celebrating 25 years of my life here. So I thank you. And I'm extremely, extremely grateful that you made my life what it is. Thank you very much. Samar, before you conclude, I will jump in as a commercial break. Yes, sir. Last 10 minutes to me, as a human being, is perhaps a fantastic lesson of mega thinking, magnanimous attitude, and determination. Thank you, Shahrukh. Thank you so much. And I think now it's time to